दोस्तों नमस्कार, देख सकते हैं अपनी दुकान जा रही है, तो यही है मेरी दुकान दोस्तों। और इस दुकान के बारे में पूरा विवरण आज की इस वीडियो में आप देखेंगे, सब कुछ मैंने बताया है, मेरा काम कैसे स्टार्ट किया, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, सब कुछ। अपनी कोई बड़ी दुकान नहीं, अपनी छोटी सी दुकान है जो चलकर हर जगह जाती है। तो शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, स्वागत है राइडर पटेल यूट्यूब चैनल पर और राइडर पटेल की दुकान पर। यह हमारी दुकान है दोस्तों, छोटी सी प्यारी सी चलती फिरती दुकान, जो कि हर रोज़ घर से तैयार होती है दुकान और बस स्टॉप पर हम लगाते हैं और वहीं पर हमारा जो बिजनेस है दोस्तों छोटा बड़ा चलता है सुबह से शाम तक। और यह हमारी धर्मपत्नी और मेरे हर वीडियो में, हर नमकीन को बनाने में मेरी जितनी भी मदद होती है इन्हीं से होती है, और मुझे इनसे जो भी सीखने को मिला है दोस्तों, आप भी अगर पति पत्नी आप अगर काम करते हैं तो मिलकर रहिए दोस्तों, जुड़कर रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए और उत्साहित रहिए किसी भी काम में। क्योंकि मेरे को जब शुरुआत हुई थी तो मुझे इतना काम ये नहीं आता था, एक बार मन बदल दिया था कि हम कुछ और करेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी कि हमें ये काम करना चाहिए और आने वाला समय, आने वाला भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा और हम लोग काफ़ी लोगों को इसके लिए इम्प्रूव भी करेंगे। तो आप भी कुछ बोलिए। नमस्कार दोस्तों, होली की हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारा धंधा अच्छा चलते है। और आप भी ये काम अगर करते हैं तो छोटा स्थल पे बड़े हो जाते हैं और इस काम में दोस्तों अच्छी खासी बेनिफिट है। नमकीन का धंधा जो है किसी भी जगह आप चले जाओ, किसी भी जगह शुरू करो, चलता ही चलता है, क्योंकि ये सदाबहार आइटम है और हर रोज खाने वाली प्रोडक्ट है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपका माल कहीं अटक जाएगा कि ये काम चलेगा नहीं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा इस काम को करने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा ये मेरा छोटा सा दुकान है और हर रोज़ सुबह 11 से 1 के बीच में हम लोग इसे दुकान को लेकर बस स्टॉप पे लगाते हैं और शाम की 8 से 8:30 बजे तक मेरी दुकान हर रोज़ रहती है। और सुबह से शाम तक जो भी बिजनेस होता है दोस्तों अपना काम चलता है और आप लोगों तक जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती हैं उस वीडियो में मैं जो भी नमकीन बनाता हूँ और जितनी भी क्वांटिटी में बनाता हूँ, वैसे तो मेरी दुकान पर इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती नहीं है नमकीन की, लेकिन आप लोगों तक सही जानकारी और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मैं नमकीन बनाता हूँ तो आप लोग सीख भी सकते हैं और आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, इसीलिए मैं बिजनेस से रिलेटेड नमकीन बनाता हूँ। तो दोस्तों ये काम मैंने शुरू किया था 18 अप्रैल 2018 को और आज मुझे लगभग 3-3.5 साल यहाँ पर हो चुके हैं। और मैं इस काम को जब शुरू किया था तो मेरे पास बजट की बड़ी कमी थी, मुझे करनी तो दुकान थी लेकिन मेरे पास बजट नहीं होने की वजह से मैंने ये छोटा सा काम स्टार्ट किया। और इस काम को स्टार्ट करने में मुझे 50,000 रुपये लगे और 50,000 से मैंने ये कार्य स्टार्ट किया और आज मैंने इस काम से बहुत कुछ सीखा भी है और अच्छा खासा मैंने अर्न भी किया है। और मेरा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इस काम की बदौलत इस दुकान ने, इस छोटे से मेरी जो लारी है इसके ऊपर मुझे जब काम करना शुरू किया तो शुरुआत में मुझे लगा कि यार बहुत ही छोटा काम है और क्या मुझे ये करना चाहिए, आसपास में लोग क्या कहेंगे कि यार तुम रोड पे ये बिजनेस लगाते हो ये वो। तो एक बार वो दिमाग में आया कि तो फिर मैंने वापस अपना मन जो है ना एकदम कठोर मन कर दिया है कि कोई भी कुछ भी कहे लेकिन हमें जो काम करना है वो हमें करना ही है, लोगों की सुनकर नहीं करना है, हमें खुद की सुननी है, अपने मन और अपने दिमाग की सुननी है। तो फिर मुझे उस समय उतना काम दुकान पर नमकीन बनाना कुछ भी बिल्कुल भी नहीं आता था जब मैंने ये काम शुरू किया था, वो भी एक मजबूरी थी मैंने ये काम किया। तो इससे पहले मेरा काम बहुत ही अलग अलग जगह पर, मैंने नौकरी की है लगभग 12-13 साल मैंने नौकरी की है अलग अलग दुकानों पर, कपड़े की, मेडिकल मिठाई की दुकान पर, बहुत जगह, लेकिन काम सीखने की कहीं भी मुझे कोई मदद नहीं मिली, किसी ने भी काम सिखाया नहीं। उसके बाद मैंने दोस्तों ये जो काम स्टार्ट किया तो मैं भी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता था, तो छोटे छोटे वीडियोज़ आते थे जिसमें 200 ग्राम 250 ग्राम
ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो तक का मेजरमेंट से मैं देख देख कर नमकीन बनाता था, लेकिन वो सब दिमाग में बैठता नहीं था क्योंकि मुझे दुकान के लिए बनानी थी, मार्केट में सेल करने के लिए बनानी थी, तो मुझे वो आधा किलो वाला जो मेजरमेंट है समझ में आता नहीं था। फिर मैंने खुद से ट्राई किया कि अगर हम नमकीन जो है 10 किलो की बनाकर देखते हैं, 10 किलो बेसन लेते हैं, उसमें नमक भी मैंने मेरे हिसाब से अंदाज से डाला, क्योंकि शुरुआत में मुझे कोई भी चीज़ का पूरा अंदाज़ा भी नहीं था और मतलब मेरे लिए ये काम एकदम नया था, एकदम अनजान था मैं इस लाइन में। फिर भी मैंने शुरू किया, शुरुआत में मैंने पूरी नमकीन बनाई, तो कभी कभी एक दो बार मेरी नमकीन पूरी ख़राब भी हुई थी, एक दो बार नमकीन में जो मसाले जो है ज़्यादा कम हो गए थे, लेकिन कस्टमर मुझे कहते थे कि भाई इसमें नमक ज़्यादा है या नमक कम है, मिर्ची मसाले, बहुत सारी शिकायतें शुरुआत में मुझे आई थी। और जब मैंने पहली बार जब मैंने ये दुकान में लॉरी लगाई थी बस स्टॉप पर, तो मुझे जो पहले दिन का जो मेरा व्यापार हुआ था दोस्तों, वो 350 रुपये का हुआ था। और उस दिन से मुझे एक हिम्मत मिली कि कल देखते कितना होता है, तो फिर उसके दूसरे दिन मुझे और हिम्मत मिली, 750 का हुआ। और ऐसे करते 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 दोस्तों 1000-1200, और धीरे धीरे मेरी जो दुकान का व्यापार का जो है रोटेशन बढ़ने लगा और मेरी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई। मेरे भाई हैं इंदापुर में, मेरे बड़े भाई नरपत भाई मेरे मामा के बेटे हैं और उनका ये काम है, और पिछले काफ़ी टाइम से वो नमकीन का बिजनेस करते हैं और नमकीन के वो बड़े मास्टर हैं, लगभग 20 साल का उनको हुनर है। तो मैं फ़ोन करके उनसे पूछता था तो वो मुझे सलाह देते थे, बहुत सारी नमकीन के बारे में मुझे बताते थे, तो मैंने उनसे बहुत सारी गाइडेंस ली है। और दोस्तों फिर मैंने ये काम मेरा लगभग 6 महीने हुए तो बड़ी हिम्मत मिली और मैं काम करता रहा, और 8 महीने हुए उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरह और भी न जाने कितने मेरे भाई, कितने सारे लोग हैं जो बेरोज़गार भी हैं और जिनको काम सीखने की जो इच्छा है वो करना चाहते होंगे। तो फिर मैंने YouTube पर मेरा चैनल बनाया राइडर पटेल। तो राइडर पटेल यूट्यूब चैनल मैंने पहले एक्चुअली मैंने जो चैनल का नाम रखा था वो इसीलिए रखा था कि मैं मेरे चैनल का राइडर पटेल के माध्यम से मैं राइडिंग करना चाहता था, यानी मैं बाइकर बनना चाहता था। मुझे ब्लॉगिंग का राइडिंग का बहुत शौक था, लेकिन उस समय दोस्तों आपको मैंने जैसा बताया पैसों की बड़ी कीमत कमी थी और उतना मेरे पास बजट नहीं था कि मैं राइडिंग कर सकूँ, उतना पेट्रोल का पैसा खर्च कर सकूँ, गाड़ी में पैसा उतना इन्वेस्ट कर सकूँ। लेकिन दोस्तों मेरी जो मन में थी कि मैं राइडिंग करूंगा, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया, मेरा सपना था दोस्तों बजट की वजह से। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मैंने जो नमकीन का काम शुरू किया तो फिर मेरे चैनल का नाम मैंने राइडर पटेल ही रखा, इस नाम को मैंने बदला नहीं, क्योंकि मुझे उस समय यूट्यूब पर भी उतना ज्ञान नहीं था कि नाम कैसे चेंज करना है। नाम तो डाल दिया लेकिन चेंज करने का पता नहीं था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियो खाली अपलोड करना आता था, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं आता था। तो फिर मैं यूट्यूब पर बहुत सारे टेक्निकल सो वीडियो होते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, वो वीडियो देखता था और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का भी इम्प्रूव किया, बहुत सारे अलग अलग मैंने गैजेट्स अपनाए। लेकिन दोस्तों आज भी मैं मेरे जो नमकीन की वीडियोस बनाता हूँ वो मैं मेरे फ़ोन से ही बनाता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। मैंने आज मेरे जो अपने चैनल पर जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं 470,000 के करीब आज के दिन पहुंच रही है अपनी यूट्यूब फैमिली, तो मैंने जितने भी यूट्यूब से जो भी सीखा है, मेरी जो भी मदद मिली है, वो अभी भी जो रिकॉर्ड हो रहा है इसी कैमरे से मिली है और इस फ़ोन से मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से एक सीख की बात कहता हूँ कि अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं, चाहे नमकीन का हो या फिर कोई भी हो, काम छोटा बड़ा हो उससे देरी नहीं रखना है। काम कोई भी हो, काम एक धर्म होता है, धंधा एक धर्म है, उसे आप डटकर करो। छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है। तो हमेशा दोस्तों छोटी लेवल का काम स्टार्ट करो और धीरे 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 उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका काम बहुत सफलता पर जाएगा। और मेरी आपसे एक सलाह है कि आप किसी भी काम को करते हैं तो कोशिश पूरी कीजिए, हिम्मत मत हारिए कि यार इस बार नहीं हुआ, आज व्यापार कम हुआ तो आइए नहीं कुछ दूसरा बिजनेस अपना लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक ही काम में मेहनत करनी है। आप अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, रास्ता बदलो लेकिन आपका लक्ष्य मत बदलो, आपका जो आपने जो निर्णय लिया है वो मत बदलो। तो दोस्तों आपको मेरी ये दुकान कैसी लगी प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताना। मेरी दुकान का नाम भी मैंने बता दिया है,
माँ भवानी मिक्सर एंड स्वीट। और मेरा जो ये दुकान, जो मेरा मतलब दुकान ही बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए मेरी दुकान है, आज मेरे लिए मेरी बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही मैं आप लोगों तक नमकीन पहुँचाता हूँ और जो भी बनाता हूँ वो इसी पे मैं बेचता हूँ। नमकीन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट सब इधर ही सेल करता हूँ। और उसके अलावा जो मिठाई वगैरह बनाता हूँ वो हम बनाते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बन जाता है, बाकी की हम लोग भी खा लेते हैं और आस पड़ोस में मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम खिला देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा काम आपको कैसा लगा, और आपको जो भी आपको कमेंट में कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी ये छोटी सी दुकान आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने जैसे बताया दोस्तों मुझे टोटल 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। और 50,000 में जो आप देख रहे हैं अभी हाथ गाड़ी, ये गाड़ी और इसके साथ में मैंने सामान खरीदा था, जैसे कढ़ाई, जारे, खुरपी और नमकीन के लिए अलग अलग बर्तन, तो उन सभी का टोटल मिलाकर मुझे 50,000 रुपये लगे थे। उसके बाद में मैंने बेसन वगैरह माल मसाले सप्लाई 20,000 का मेरा वो खर्च आया और इस तरह से मेरा ये बिज़नेस शुरू हुआ और आज मैं इस बिज़नेस से अपना घर चला रहा हूँ। और आप लोगों तक जितनी भी वीडियोस मेरी आ रही हैं वो सभी वीडियोस, सभी नमकीन मैं इस मेरी दुकान के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज मेरी ये मेरी दुकान और यही मेरी एक नींव है और इसी के माध्यम से मैं पूरा काम और मेरा भी जितना भी कामकाज चलता है और आप लोगों तक जितनी भी नमकीन की वीडियोस आती हैं सब कुछ इसी के मुताबिक बनती है दोस्तों, इस पर सेल होती है, वो सभी नमकीन मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों कामकाज कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस करने की हिम्मत चाहिए। आप इस छोटे से काम से भी आप अपने काम को बहुत ही बड़ी ऊँची लेवल तक लेके जा सकते हैं। मेरी दुकान को देखने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए और हमें इतना उत्साहित और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, जय जय राजस्थान।